राइट नेक्स्ट चैप्टर डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स, डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। इसके पहले आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ पढ़ा था ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर पहला क्या पढ़ा था हमने, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, दूसरा चैप्टर आपका डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। तो डीसी सर्किट में फाइनल क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पहले से पढ़ते हैं, ठीक है, पहले से पता था कि इलेक्ट्रिक सेल, तो सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन नीचे रहेंगे और दूसरे मैटिक प्लेट जो होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर होगी, ठीक है। तो इनको जैसे जिंक और कॉपर, जिंक प्लेट ले लीजिए और कॉपर की प्लेट ले लीजिए और इसको क्या करिए, एस टू सपोर्ट में डाल दीजिए, एस टू सपोर्ट की सोल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एस टू सपोर्ट रॉबर्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जिंक प्लेट कम एट लोअर वोल्टेज, ये प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। एंड कॉपर प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, कॉपर की प्लेट जो है हाई वोल्टेज पर आ जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इस सेल को क्या करें, मतलब इस दोनों प्लेट को क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के क्रॉस जोड़ देते हैं ना, कंडक्टर इज ए मटेरियल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ प्लेट, कंडक्टर क्या होता है, एक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें कि बहुत सारे प्लेट हैं, बहुत सारे चार्ज कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं। देखा हमने मेटल मेटेलिक वायर लिया है, तो इसमें मेटेलिक वायर में चार्ज कह रहे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, मेटेलिक वायर में चार्ज कह रहे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट से तो उसमें चार्ज कह रहे तो दोनों के कैटाइन से, सेमी कंडक्टर्स है तो उसमें चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे, ठीक है। जैसे गैस है तो उसमें क्या होगा, हमारे पॉजिटिव चार्ज मालिक्यूल्स, पॉजिटिव चार्ज मालिक्यूल एंड नेगेटिव चार्ज मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेटेलिक वायर है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए जैसे ये वायर है ये पॉजिटिव में जुड़ेगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जैसे नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा तो ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन वायर का पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा क्रॉस सेक्शन वायर का क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी ना। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गए लास्ट हो जाएगी, लेकिन यदि क्या हो जाएगी, तो कैटेगरी में लेते
जिला से नहीं कौन देगा, सेल देगा, जिला से नहीं कौन देगा, सेल देगा, इसलिए क्या होगा एरिया में कलेक्ट करके फिर एक्सीलेट होगा, और एक्सीलेट होकर के क्या होगा किसी दूसरी डायरेक्शन जाएगी जो सेल ना, और फिर यहाँ कलेक्ट करेगा फिर इसके लिए जिला से जब जिला से एनर्जी नहीं दीजिएगा उसके लिए क्या रुक जाएगा जिला से एनर्जी जो है कौन देता है सेल देता है ना, इस सेल क्या कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए मतलब हाई वोल्टेज पर जाने के लिए एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है, हाई वोल्टेज पर जाने के लिए क्या कर रहा है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं तो अपने साथ चार्ज ले जा रहे हैं, अपने साथ क्या ले जा रहे हैं चार्ज ले जा रहे हैं, इस तरह से चार्ज को आगे बढ़ने के लिए ठीक है चार्ज को होने के लिए सेल क्या करती है एनर्जी देती है, सेल क्या करती है एनर्जी देती है, तो सेल का क्या काम है सेल का काम है एनर्जी देना टू फ्लो चार्ज टू मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज ना, सेल का क्या वर्क होता है सेल का वर्क होता है कि ये जो है चार्ज फ्लो या कह लीजिए करंट फ्लो रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या कहलाता है करंट कहलाता है, तो चार्ज फ्लो या कह लीजिए करंट फ्लो को मेंटेन रखने के लिए सेल क्या करते हैं एनर्जी देते हैं, सेल क्या करते हैं एनर्जी है, तो सेल इज ए डिवाइस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज, सेल क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज है या टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट को के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए सेल क्या करती है एनर्जी देती है, तो अगर कोई पूछे फॉर डिवीजन में इलेक्ट्रिक सेल तो क्या बताइएगा इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू फ्लो टू मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट है ना, अब ये एनर्जी जो है कहाँ से मिलेगी, जैसे इस सेल में एनर्जी कहाँ से मिले इसमें आयनाइजेशन रिएक्शन होता है, जैसे इसको क्या होता है आयनाइज होता है, जैसे फोर आयनाइज होता है इसमें एच प्लस एन में और एच एस फोर माइनस एन में ठीक है, और ये आयनाइजेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मल रिएक्शन होता है, क्या होता है दिस आयनाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मल, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, ये रिलीज एनर्जी ही क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो को चार्ज फ्लो को चार्ज फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी है चार्ज फ्लो को मेंटेन रखता है ठीक, तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन से एनर्जी मिलने से क्या कहेंगे केमिकल एनर्जी कहें क्या कहेंगे केमिकल एनर्जी, जिस तरह से आपकी केमिकल एनर्जी क्या हो रही है ये केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रही है, यहाँ क्या हो रहा है केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये से क्या करेंगे केमिकल से करेंगे इससे क्या मिलेगी केमिकल से, क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है ठीक है, तो इस तरह से केमिकल एनर्जी इन केमिकल से इन केमिकल से केमिकल से में क्या होगा केमिकल से में जो है केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है, कोई जरूरत नहीं कि केमिकल एनर्जी हो कि डिफरेंट सेल में डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, जैसे सोलर सेल है इधर पहले सवाल लोग लिखना, जैसे सोलर सेल है तो सोलर सेल में क्या होता है बताइए, सोलर सेल में जो है सोलर एनर्जी माने सन एनर्जी सन से आने वाली एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलती है, सोलर एनर्जी एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है, इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है ठीक है, सोलर सेल हो गया और इस तरह से जैसे जनरेटर है जनरेटर आपने देखा है जैसे लाइट चली जाती है तो क्या करता है जनरेटर चला लेता है हैं क्या करता है तो उससे लाइट मिलने लगती है, इसमें क्या होता है बताओ जनरेटर भी एक सेल टाइप का है, क्योंकि ये भी करंट फ्लो को मेंटेन रख रहा है, जनरेटर क्या कर रहा है करंट फ्लो को मेंटेन रख रहा है ना, ये भी एक सेल हो गया, तो इस सेल में क्यों कौन सी एनर्जी चेंज होती है, जनरेटर में पुली रोटेट करता है तो पुली के पास कैसा एनर्जी है मोशन से जो एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी कह जाएगी, क्या कहलाएगी मैकेनिकल एनर्जी है, तो अब ये इस पुली के रोटेट होने से क्या मिलेगी आपको करंट मिल रही मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही, तो जनरेटर में क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी चेंजेज इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है ठीक है, इसमें जो है मैकेनिकल एनर्जी
थर्मोइलेक्ट्रिक सेल है, हाँ, थर्मो सेल है, थर्मोइलेक्ट्रिक सेल है। तो थर्मोइलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है बताइए, एम थर्मोइलेक्ट्रिक सेल, थर्मो थर्मो माने हीट, ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक थर्मो इलेक्ट्रिक। तो थर्मोइलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, क्या होता है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल, हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है। इस तरह से कोई जो नहीं कि केमिकल एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है। ये डिफरेंट एनर्जी में भी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और जो एनर्जी चेंज होती है उसी हिसाब से सेल का नाम है ना। जैसे केमिकल एनर्जी थी तो केमिकल सेल हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी थी तो सोलर सेल हो गया, और जैसे मैकेनिकल एनर्जी तो जनरेटर हो गया, हीट एनर्जी है तो थर्मो इलेक्ट्रिक सेल हो गया है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो व्हाट इज सेल, सेल इज ए डिवाइस व्हिच मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इन द सर्किट, सेल इज ए डिवाइस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। फिर वो डिवाइस होती है जो है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी।